लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तिरुवनंतपुरम में कांग्रेसियों का हंगामा। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है प्रदर्शनकारियों पर। तो ये तस्वीरें तिरुवनंतपुरम से हिंदुस्तान पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं और यहां पर कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल मजबूरन वहां पर जो पुलिस बल तैनात है उनको करना पड़ा हालात से निपटने के लिए। और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से, देखिए चक्का जाम जब शांतिपूर्ण तरीके से देश भर में हो रहा है, किस तरह से चक्का जाम की आड़ में हंगामा किया जाए उसके लिए ये कांग्रेसी कार्यकर्ता जुट गए और सड़क पर उतर आए और देखिए किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम से ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं, लेकिन किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है कि इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अभी तक अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आई हैं वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से जो है किसान जो है या किसान संगठन जो है, जो जत्थेबाज जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इस वजह से वाटर कैनन का इस्तेमाल इनके ऊपर करना पड़ा है। लगातार कांग्रेस कह रही है कि वो किसानों के समर्थन में है, किसानों के साथ खड़ी है। आज चक्का जाम है, उसको भी समर्थन कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। तमाम विपक्षी दल जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब पूरी तरीके से देखें तो किसान आंदोलन जो है उसने राजनीतिक रूप ले लिया है। बिल्कुल, और देखिए हर कोई अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगा हुआ है, अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है। जब देश भर में किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम हो रहा है, फिर इस तरह का हंगामा करने की क्या जरूरत पड़ी। और कांग्रेस जिस तरह से किसानों के हितैषी बन रही है, अचानक से इस आंदोलन में जिस तरह से शामिल होने की कोशिश कर रही है, उसी से जुड़ी देखिए ये तस्वीरें केरल से आज मिल रही है। चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, लेकिन वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाते हैं और देखिए किस तरह से इन्होंने हंगामा वहां पर किया कि हालात से निपटने के लिए मजबूरन वाटर कैनन का इस्तेमाल भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया गया। और ये तस्वीरें हिंदुस्तान सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि आप जान सकें कि चक्का जाम को लेकर देश भर में इसका क्या असर है, क्या क्या तस्वीरें देश भर से मिल रही है। और ये तस्वीरें केरला के तिरुवनंतपुरम से है जहां पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कृषि कानून के विरोध में सड़क पर उतर आए और चक्का जाम की आड़ में हंगामा करने लगे। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से, देखिए ये हंगामा कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं सड़क पर उतरकर, हाथ में कुछ लोगों के तिरंगा भी है और अपना विरोध जताने के लिए ये सड़क पर उतर आए। और सड़क पर जिस तरह से इन्होंने हंगामा किया तो वाटर कैनन का इस्तेमाल इन पर करना पड़ा। श्वेता बिल्कुल मलिका, और देखिए ये जो दो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है वो एक तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जब सड़क पर उतर आए हैं और वो हंगामा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये यही दर्शाता है, क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, बावजूद इसके देखिए क्यों जानबूझकर इस किसान आंदोलन में घुसने की कोशिश की जा रही है मलिका। बिल्कुल, और ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि चक्का जाम की आड़ में कांग्रेस अपनी सियासी रोटियां सेक ले, अपनी सियासत चमका ले और किसानों के हितैषी बनने का ये जो ढोंग कर रहे हैं इस तरह से देखिए सड़क पर ये उतर आए हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो ये कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में ये उतर आए सड़क पर और अपना विरोध जताने लगे। ऐसा इन्होंने हंगामा किया सड़क पर कि पुलिस को इनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इन पर इस्तेमाल करना पड़ा। और हिंदुस्तान सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है और देखिए बार बार ये बात कही जा रही है और किसान आंदोलन से पहले राजनीतिक पार्टियां दूर थी लेकिन पीछे से किस तरीके से समर्थन किया जा रहा था, अब तो खुल के विपक्षी पार्टियां जो है लामबंद हो गई हैं और वो किसान आंदोलन की आड़ में इस तरीके से ये जो तस्वीर आ रही है ये तस्वीर देखिए। और अभी हम कुछ राज्यों की जो तस्वीर आ रही थी, अलग अलग शहरों से जो तस्वीर आ रही थी, किसान
शांतिपूर्वक तरीके से चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन केरल की ये तस्वीर देखिए, यही ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो इस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल अभी तक केवल यही किया गया है, बाकी जगह पुलिस फोर्सेस तैनात है, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है और वहां पर कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक तस्वीर देखने को मिली है। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है श्वेता, वो बड़ी खबर बता दे दर्शकों को, पश्चिम बंगाल के मालदा से ये बड़ी खबर। मालदा में जेपी नड्डा का रोड शो शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं जेपी नड्डा और देखिए तस्वीरें जी हिंदुस्तान पर सबसे पहले, बंक की जंग में ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रोड शो की। जेपी नड्डा का रोड शो शुरू हो चुका है, तो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत मलिका देखिए हो चुकी है और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मालदा से, किस तरीके से बड़ी बड़ी पांच यात्राएं जो हैं बीजेपी की तरफ से निकाली जानी है, जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं और शुरुआत की गई है मालदा से। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए कितनी भारी संख्या में रोड शो में जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और लगातार एक के बाद एक, कह सकते हैं विधानसभा करीब है, चुनाव करीब है और ऐसे में बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार सरकार बना सके। देखिए ये तस्वीर और इन भीड़ पर देखिए नजर डालिए मलिका, देखिए किस तरीके से परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत हुई है, हालांकि इस रैली की इजाजत, इस रोड शो की इजाजत तो दे दी गई है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, लेकिन और जो चार यात्राएं निकाली जानी है उसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, और देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए, जेपी नड्डा से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं श्वेता ये तस्वीरें ये भी दिखाती है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके उनके बीच भी उत्साह है। और मलिका जरा सुनिए, जय श्री राम का वो नारा जो दीदी का वीक पॉइंट बन गया है और यही सुनाई भी दिया था सदन में, कल जब सदन में एंट्रम बजट जो है पेश किया जा रहा था ये नारा ही गूंज रहा था। बीजेपी अब इस नारे को लेकर आगे बढ़ती हुई पश्चिम बंगाल में, बीजेपी की कोई भी रैली हो और बीजेपी का हर कार्यकर्ता जो है यही नारा लगाता है। बीजेपी के तमाम लीडर्स कह चुके हैं कि क्या ये नारा पॉलिटिकल है, क्यों जय श्री राम से चिढ़ है दीदी को, क्यों चिढ़ती है, क्यों डरती है दीदी इस नारे से। अब बीजेपी इस नारे को लेकर ही आगे बढ़ती हुई और आगे भी आने वाले दिनों में अगर देखें तो ये नारा बुलंद किया जाएगा, क्योंकि कई लीडर्स बोल चुके हैं कि अगर आप जय श्री राम कहते हैं तो आप दीदी का विरोध कीजिए और इस नारे को बुलंद कीजिए। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने खुद ही अपना ये वीक पॉइंट बताया है और इसका फायदा भी किस तरह से उठाया जा रहा है, सियासी फायदा उठाया जा रहा है, उससे जुड़ी ये तस्वीरें अभी आपको दिखाई। ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।